सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके एंड्रॉइड से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप भी मेरी तरह रेडमी MI का कोई भी मोबाइल यूज करते हैं तो गाइज आपके सामने अगर आ जाता है इस प्रकार का ये एरर, Android.process.media has stopped। अगर गाइज आप भी फेस करते हैं इस प्रकार के एरर को तो गाइज ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको 3 से 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो गाइज 101% आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है। तो गाइज हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद गाइज आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो इसी वीडियो के अंदर हो जाएगा। गाइज इस एरर के सोल्यूशन पर जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये एरर आपके सामने आता क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो गाइज ये एरर तब देखने को मिलता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फायरवर्क प्रॉपरली अपग्रेड नहीं हो पाता या गाइज कस्टम रोम इंस्टॉलेशन फेल्ड हो जाता है आपके एंड्रॉइड में, या गाइज ये भी हो सकता है कि ये एरर किसी वायरस या फिर बग के कारण आपके मोबाइल में शो हो जाता है। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है गाइज, अगर आपकी डिवाइस के अंदर स्टोरेज स्पेस कम है तो गाइज आपको ये एरर शो हो जाता है कई बार। तो गाइज देखिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। उसके लिए हमें जाना है अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर टैप कर देना है। उसके बाद गाइज आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट शो होंगी, आपको जस्ट इस पर टैप कर देना है। ये कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ से सिस्टम ऐप प्रेफरेंस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको करना है रीसेट ऐप्स और आपको ओके प्रेस कर देना है। ये कर देने के बाद गाइज देखिए, मैं यहाँ से रीसेट ऐप्स पर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा तो गाइज मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ से क्लोज हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो बीच में ये स्टॉप हो जाए। तो गाइज देखिए, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, आपको यहाँ से रीसेट करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सर्च बार के अंदर टाइप कर देना है स्टोरेज। आप जैसे ही ऊपर स्टोरेज टाइप करते हैं तो गाइज आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है मीडिया स्टोरेज का, आपको जस्ट इस पर टैप कर देना है। यहाँ आ जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से इसका कर देना है क्लियर कैचे और क्लियर ऑल डाटा। देखिए गाइज, ये कर देने के बाद आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद आपको यहीं पर एक और ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज मैनेजर का, स्टोरेज मैनेजर पर टैप कर देना है, जिससे गाइज ये ओपन हो जाएगा। आपको इसका भी कर देना है यहाँ से क्लियर ऑल डाटा। देखिए गाइज, मैं यहाँ से क्लियर ऑल डाटा इसका कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको यहीं पर सर्च कर लेना है Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क कीपर। देखिए गाइज, जो ये सेकंड ऑप्शन मैं जस्ट इस पर टैप कर दूंगा Xiaomi सर्विस फ्रेमवर्क कीपर। उसके बाद गाइज आपको इसका भी कर देना है यहाँ से क्लियर ऑल डाटा। ये कर देने के बाद गाइज आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको एक और सेटिंग कर लेनी है, आपको सर्च बार में यहाँ पर टाइप कर देना है सेटिंग। देखिए सेटिंग का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, आपको इसका भी कर देना है यहाँ से क्लियर ऑल डाटा। ये कर देने के बाद गाइज आपको बैक आ जाना है। बिल्कुल ही अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद आपको अपने मोबाइल को कर देना है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कर देने के बाद जैसे ही गाइज आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल में इस प्रकार का ये कोई भी एरर नहीं आएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 101% इन स्टेप से हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।